हेलो दोस्तों, तो आई एम बैक अगेन विद न्यू पबजी मोबाइल वीडियो। तो गाइस यार, आज के वीडियो में बताने वाला हूँ चिकन मास्टर टाइटल के बारे में। तो गाइस यार, ये वीडियो होने वाली कतई जहर और अमेजिंग। तो भाई यार, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें। तो बस यार, आज के वीडियो को कर लेते हैं शुरू। गाइस में होने वाला है चिकन मास्टर टाइटल, जो कि बहुत आसान। तो भाई यार, इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं बता देता हूँ। इस वीडियो में बहुत इजी ट्रिक है और आप सभी आसानी से इस बार चिकन मास्टर ले पाएंगे। गाइस यार, मेरे को पहले लगता था कि बहुत मुश्किल होगा चिकन मास्टर, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। तो भाई, बिना किसी बकचोदी के मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना होगा आपको। तो भाई यार, चिकन मास्टर टाइटल अगर आपको लेना है तो सबसे पहले ये जो सीजन 14 का जो नया अपडेट आया है, 0.19.0 जो भी है, 0.19.0 जो भी है, वो आपको अपडेट कर लेना है। और अपडेट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ मैप्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखने मिलेगा अनरैंक्ड क्लासिक। ओके भाई, तो यार यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 5 डे वार्म अप मिशंस, तो भाई यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। और ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि नए अपडेट के ऊपर बनाई थी। तो यार, आपने अगर नहीं देखी तो यहाँ मैं समझा देता हूँ कैसे क्या होने वाला है। तो गाइस यार, आपको पता ही होगा कि चिकन मास्टर जब भी लेना होता है तो सोलो में आपको रैंक पुश करना पड़ता है प्लेटिनम तक। तो गाइस यार, सोलो में रैंक पुश करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अकेला बंदा होता है और खेलने में ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता है। तो भाई यार, इस बार आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो 5 दिन मिलने वाले हैं, तो अभी से आप सोलो में खेलेंगे, तो अभी से आप अगर सोलो में खेलते हैं ना भाई, तो यार आपको क्या होगा कि इससे रैंक पुश में बहुत आसानी मिलेगी। और जैसे ही नया सीजन आएगा, सीजन 14, तो ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना आपको, तो गाइस यार ये वहाँ पे ऐड हो जाएंगे और आपको प्लेटिनम बहुत जल्दी मिल जाने वाला है। तो गाइस यार, ये ट्रिक इसलिए अच्छी थी और इसीलिए मेरे को चिकन मास्टर टाइटल के ऊपर बनानी पड़ी वीडियो। बाकी मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली। तो भाई यार, ये यहाँ से आपको दिन में एक दिन के नए नए पॉइंट्स मिलते हैं। तो भाई यार, 5 डेज बचे हैं, तो जल्दी से अभी के अभी ये पॉइंट्स कलेक्ट करना शुरू कर दो। और ये बहुत आसान मिशन होते हैं, जो कि आराम से कंप्लीट कर पाते हो। अगर कोई मिशन आपको समझ में नहीं आ रहा है और कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा सारे मिशन कैसे कंप्लीट करने हैं। तो बस अब ये बता देता हूँ कि कैसे लेना है। तो भाई यार, अभी से अगर रैंक पुश करना चालू करोगे या फिर सोलो खेलना चालू कर दो, जिससे क्या है, यहाँ से आपको पॉइंट मिल जाएंगे और अभी अच्छे अच्छे, मतलब आप अभी रैंक पुश करना बहुत इजी होता है भाई इन टाइम, इस टाइम में। तो अच्छे से आप अभी खेलें, थोड़ा सा सोलो खेलना पड़ेगा सिर्फ 5 दिन के लिए गाइस। और 5 दिन के सोलो के खेलने के बाद आपको बताता हूँ रैंक पुश में क्या करना पड़ता है। रैंक पुश मतलब आपको ऐसा नहीं बिल्कुल छुप छुप के खेलना है, आपको आराम से खेलना है अब, क्योंकि अब आप सारे प्रो बंदे ही खेलते हैं, अच्छे खेलते हैं सब बंदे। तो यार, आराम से खेलो इस सोलो में और अच्छे हेडफोन्स का यूज़ करो, जिससे क्या आप आराम से एनिमी को किल कर पाओ। और उसके बाद बात कर लेते हैं चिकन मास्टर टाइटल में क्या क्या करना होता है। तो गाइस यार, चिकन मास्टर टाइटल के लिए आपको करना होगा मिशंस पे क्लिक करना है, यहाँ पे अचीवमेंट्स पे क्लिक करना है, और ये जो है टाइटल्स पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चिकन मास्टर टाइटल, जो कि मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन आई एम। तो गाइस यार, मैं सीजन 14 की फर्स्ट वीडियो में आपको चिकन मास्टर टाइटल दिखा दूंगा मेरे पास भी, और कैसे करूंगा वो भी मैं उसकी पूरी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अब भी अगर चाहते हैं कि फर्स्ट वीक में ही आपके पास चिकन मास्टर टाइटल आ जाए, तो यार वीडियो पूरी एंड तक देखो। उसके बाद M416 का स्किन भी बताने वाला हूँ। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो में आप देख लें। तो गाइस यार, इसमें करना होगा यूज़ असॉल्ट राइफल। सबसे पहला जो चिकन जीतना होगा भाई यार, अगर पूरा मैच में आप एक भी किल नहीं करते हो, लेकिन लास्ट में एक बंदा अगर असॉल्ट राइफल से मार देते हो, तो ये मैच आपका काउंट हो जाएगा। और पहले मैं सोचता था गाइस यार कि 1-7-10 मैच जीतने होते हैं तब जाके चिकन मास्टर मिलता, तो ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। आराम से अगर आपने आज चिकन डिनर किया, अगर नेक्स्ट चिकन डिनर में आपने अगर किसी बंदे को SMG की वाली गन से मार दिया, तो वो भी काउंट होगा। तो ईजीली आप इस बार कर पाएंगे। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 1-7-10 चिकन एक साथ लेने पड़ते थे। तो भाई यार, आप देख सकते हो असॉल्ट राइफल से एक बंदे को मारना है लास्ट में, जो कि चिकन मतलब लास्ट जो बंदा होता है उसे असॉल्ट राइफल से मारना है, फिर SMG से मारना होगा, फिर स्नाइपर राइफल से मारना होगा। ये सारी इजी है, शॉटगन से मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप बंदे के ऊपर स्मोक कर दो या फिर बंदे को डिस्ट्रैक्ट करके दूसरी जगह स्मोक डाल के बंदे के ऊपर चढ़ जाते हो शॉटगन लेके, तो आराम से मार सकते हो। और अभी आप अगर ड्रॉप में CBS जो गन है ये शॉटगन, उससे भी यूज़ कर सकते हो, जो बहुत OP है। और उसके बाद जब आप लाइट मशीन गन, तो आप यहाँ पर DP28 भी यूज़ कर सकते हो और M249 भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद रही बात यूज़ पिस्टल, तो यार पिस्टल वाला थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि अगर आप ये जो स्मोक वाला यूज़ करोगे ना, तो गाइस यार स्मोक वाला बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इसके अंदर। तो यार स्मोक कहीं दूसरी साइड में स्मोक फेंक दो और बंदे का जो डिस्ट्रैक्ट कर देना होता है इसमें, और आप पीछे से जाके पिस्टल या किसी भी गन से मार सकते हो, मेले वेपन से भी आप मार सकते हो। तो क्रॉसबो से तो मारना बहुत ईजी है यार, दूर से भी मार सकते हो, तो इसमें कोई डिफिकल्ट होने वाला नहीं है। और थ्रोवेबल जो भी है, जैसे कि बम है, तो नेड है, स्मोली से भी आप मार सकते हो यहाँ पे। और व्हीकल से आप लास्ट के जोन में, वैसे भी बंदे आजकल व्हीकल लेके ही घूमते हैं, एक बंदा बचता है, तो यार आप
व्हीकल से भी मार सकते हो इजी तरीके से, ये सारे आप ले सकते हो। तो यार चिकन मास्टर आना बहुत इजी है अब इस सीज़न में, तो आप अभी से ही मेरी वीडियो देख लो, ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे कि कैसे चिकन मास्टर ले सकते हैं। तो यार सोलो में प्लेटिनम होना ज़रूरी है यार, बहुत बंदे मुझे कमेंट करते हैं कि यार भाई हमने सब कुछ वो किया जो तूने बताया लेकिन फिर भी नहीं मिला, तो भाई यार सोलो में प्लेटिनम होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस यार ये थी मेरे चिकन मास्टर के ऊपर वीडियो, अब बात कर लेते हैं M416 की। और अगर आप सभी मेरी वीडियो से अगर किसी को भी चिकन मास्टर टाइटल मिलता है तो मुझे कमेंट कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। और भाई यार इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि अगर आपको किसी अदर टाइटल के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। अब बात कर लेते हैं M416 की स्किन की। तो गाइस यार M416 की स्किन एक मतलब आप बता देता हूँ, अगर आपने रॉयल पास नहीं खरीद रखा है तो मेरी एक लास्ट वीडियो देख ले जहाँ पे मैंने रॉयल पास गिव अवे कर रखा है। तो सीज़न 14 मतलब जो आने वाला है उसमें पहले से ही M4 की स्किन आपको RP रैंक पे मिल जाएगी, 20 RP या 50 RP पे आपको रॉयल पास पे आपको M416 की स्किन मिल जाएगी। तो गाइस यार आज की वीडियो इतनी ही थी, और आपको रॉयल पास गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो मेरी वीडियो देख लो, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। और थैंक यू फॉर लविंग मी यार गाइस, आप बहुत सपोर्ट करते हो गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट और दिखाएं, मेरी इस वीडियो को लाइक करते जाएं प्लीज़, और कमेंट करें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। और अगर आपको गेम प्ले वीडियोस चाहिए तो मुझे वो भी कमेंट करें, मैं गेम प्ले वीडियोस भी बनाता हूँ, अच्छा गेम प्ले वीडियोस भी। तो भाई यार टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ वीडियो बना देंगे भाई, आप सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा। तो गाइस यार चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।